नमस्ते गजाननं बोधगणातिसेवितं कवित्तजम्बूफलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां अस्मत् आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको सनातन धर्म की मूल बातें बताऊंगा। इससे पहले सवाल है कि हमें इसके बारे में क्यों जानना चाहिए। इस दुनिया में हर कोई सुख चाहता है। सुख कैसे मिलता है? लोग सोचते हैं कि उन्हें कई तरह से खुशी मिल सकती है। बच्चा यह खिलौना से खुश है, एक लड़का क्रिकेट खेलकर सुख खुश है, एक लड़की एक सेल फोन से खुश है, एक आदमी अच्छी कार से खुश है, सोने के गहनों में खुश, एक महिला बहुत सारे पैसे से सभी खुश हैं। आज हमारे पास खुश रखने के कई तरीके हैं। पुराने दिनों में खाना पकाने के लिए 2-3 घंटा लेता था, अब 10 मिनट में माइक्रोवेव ओवन में बनकर तैयार हो जाती है। ड्राइंग रूम में बैठ बैठ के टेली शॉपिंग कर सकता है। दादाजी अपने पोतों से सेल फोन पर देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। दुनिया में की कोई भी जानकारी जब चाहें तब ले सकते हैं। हमारे पास कई प्रकार की कारें, बड़े घर, स्मार्ट टीवी और कई अन्य चीजें बहुत है। कुछ लोग कहते हैं ये अच्छी लाइफस्टाइल में रहने से हम लोग बहुत खुश रह सकते हैं, हमें लगता है कि हम खुश हैं। इस खुशी की स्थिति में हम सनातन धर्म की चिंता क्यों करें? ये सवाल है, सोचने वाले की बात है। क्या ये वास्तव में खुश है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस सुख में दुख छुपा हुआ है। कैसे? मैं आपके एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी है, आपके पास 15 साल का अनुभव है, आपको प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन बहुत कम अनुभव वाला कोई प्रमोशन होकर आपका बॉस बन गया, क्या आप खुश हैं? आपको तो दुख होता है लेकिन आप इसे छुपाते हैं। कुछ और उदाहरण, आप अपने बच्चे को खेलते हुए देख के प्रसन्न होते हैं, बहुत प्यारी लड़का है। कल्पना कीजिए उसके द्वारा एक गेंद फेंके हुए एक मंगे फूलदान टेबल में जो है वो गिरती है और उसे तोड़ देती है, क्या आप खुश हैं? क्या तुम उसे शाबाशी दोगे? आप क्रोधित हो जाते हैं। जब आपने एक सेल फोन खरीदा तो आप खुश थे ना, लेकिन क्या अभी तो बहुत सारे नई मॉडल आ गए हैं, अभी भी आप खुश हैं? नहीं, क्योंकि आप लेटेस्ट आईफोन खरीदना चाहते हैं। एक बात और, हर दिन में कई छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोच लीजिए, जैसे आप एटीएम में जाते हैं और कार्ड लगा के देखा तो पैसा नहीं उसमें, पत्नी का तबीयत ठीक नहीं, नौकरानी नहीं आया, टीवी काम करने करता है। इसे छोटे छोटे चीजें परेशानियां आपको मूड खराब करती हैं और आपको खुशियों में बर्बाद कर सकती हैं। ये तो सही बात है,
अमेरिका बहुत धनी देश है, बहुत पैसा है, कार कार सब कुछ है। क्या वहां का लोग खुश होते हैं? अमेरिका में बहुत से लोग दुखी हैं, बंदूक की हिंसा, हर रोज कई लोग मारे जाते हैं। मैं तो न्यूज देख रहा हूँ, रोज पहला जब जब टीवी न्यूज देखे कोई गन हिंसा से मर जाते हैं। ये सब क्या स्थापित करते हैं? खुशी स्थायी नहीं है, लोग की अनुचित इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लोग कई चिंताओं के साथ जीते हैं और मन की शांति खो देते हैं। तो चिंताएं को कैसे दूर करें और मन की शांति कैसे प्राप्त करें, यही सवाल है। सनातन धर्म ने जीने के कला सिखाती है, इसीलिए हम सभी को सनातन धर्म की मूल बातें सीखनी चाहिए जरूर। आजकल बहुत से लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, विदेशी भी हमारे धर्म में अधिक रुचि देख रहे हैं और इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। लेकिन इन दिनों लोग इतना बिजी हैं कि उनके पास बड़ी किताबें पढ़ने के या लंबे व्याख्यान सुनने के लिए समय नहीं है। समय बचाने के लिए हर काम जल्दी करना पड़ता है। अब सवाल क्या है? सवाल है कि सनातन धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है? एक सवाल आप गूगल में आसानी से पूछ सकते हैं और आपको हजारों जवाब मिल जाएगा। जब मैंने गूगल में सर्च किया, मुझे 1 मिनट में कम समय में 64,300 जवाब मिले। अब सही उत्तर कैसे मिलेगा? एक बेहद कठिन है। इसीलिए मैंने आप समय बचाने के और आपके लिए इसे समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए एक छोटा वीडियो बनाया। आप लोगों ने जरूर सनातन शब्द सुने होंगे। अंग्रेजी में इसे हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म कहते हैं। बहुत से हिंदू सनातन धर्म को नहीं समझते हैं, ये वास्तव है। एक वीडियो में उन्हें मूल बातें समझाएगा। अभी मैंने आपको स्लाइड बताऊंगा, उस स्लाइड में आप देखिए। स्लाइड में सबसे पहले ये पहला स्लाइड है। आप बाएं ओर आदि शंकराचार्य का तस्वीर देखते हैं, जो 2000 से अधिक वर्ष पहले रहते थे। एक केवल 32 वर्ष तक जीवित रहे थे, लेकिन सनातन धर्म के प्रचार के लिए पूरे भारत यात्रा की। वक्त अद्वैता दर्शन के संस्थापक है और उन्होंने पूजे उपासन के लिए 6 मार्ग स्थापित किए थे। शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर्य, गाणपत्य और कौमार। छह शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर्य, गाणपत्य और कौमार। सनातन धर्म का एक विशेषता है कि आप उपासना पूजा के लिए इन 6 रास्तों से किसी का भी अनुसरण कर सकते हैं। और 2.5 साइड में आप देखते हैं कांचीपुरम के कांची कामकोटी पीठम के जगत गुरु शंकराचार्य श्री चंद्रशेखर सरस्वती, जिन्हें महापरिवा भी कहा जाता है, उनकी तस्वीरें। वे पीठम की 68वे प्रमुख थे और सनातन धर्म के बढ़ावे देते हुए पूरे 100 वर्ष तक जीवे रहे। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा भी की और सनातन धर्म के संबंधित कई विषयों पर बात की।
मैंने इस गुरु से बहुत सी बातें सीखी। इन दोनों महान गुरुओं के अपना अनंत कोटि प्रणाम करते हुए मैं आगे बोलूंगा। आइए देखते हैं अगली स्लाइड। इसमें सवाल है कि सनातन धर्म क्या अर्थ है। सनातन धर्म के दो शब्द हैं, पहला है सनातन और दूसरा है धर्म। आइए हम पहले शब्द दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप में समझते हैं। सनातन का अर्थ है शाश्वत, जो सदा रहता है, जिसको ना तो आदि है ना अंत, एक अनादि और अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब मानव समता के बिना, ये अनादि और अपौरुषेय और पौरुषेय है। लेकिन एक बात पक्की है, सनातन धर्म के विश्व के सभी धर्मों के सबसे पुराना धर्म है, एक हजारों वर्षों से विद्यमान है। ये आचार संहिता है, जीने का एक तरीका है। आइए अब दूसरे शब्द धर्म, उनका अर्थ कहते हैं। वास्तव में ये संस्कृत का शब्द है। धर्म का अलग अलग अर्थ होते हैं। धर्म का मूल शब्द ध्रुव से लिया है, जिसका अर्थ है धारण करना, पास रखना या संचालन करना। इसीलिए इसे आचार संहिता या जीवन का एक तरीका कहा जा सकता है। धर्म का अर्थ लोगों को आस्था और परंपरा भी होता है, क्योंकि ऋषि मुनियों के ज्ञान और सिद्धियों से इन परंपराओं के मजबूती मिली है। धर्म का और एक अर्थ है जिसे सामाजिक कानून भी है। इन कानूनों के सामाजिक ताने पाने का आधार माना जाता है, इसीलिए इसे धर्म कहते हैं। मनुस्मृति में समान कई सामाजिक कानून है। धर्म का अर्थ आदेश भी हो सकता है, सरकार या राजा के आदेश का राजधर्म कहा जा सकता है। यह धर्म इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य को अपने लिए नहीं जीना चाहिए अकेले, लेकिन सभी मानव जाति का सेवा करें। लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, सब खुशी होना चाहिए, यही हमारा सनातन धर्म है। भारतीय परंपराओं के अनुसार धर्म एक व्यवहार का विषय है। धर्म शब्द का सरल अर्थ सत्य और अच्छे गुणों का अभ्यास है। और धर्म शब्द का अनुवाद अंग्रेजी में नहीं किया जा सकता है। धर्म का अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का समान रिलीजन बोलते हैं। रिलीजन का अर्थ विश्वास, फेथ। पुराने दिन में उन्हें विश्वास कहते हैं। रिलीजन का अर्थ विश्वास से बंधा हुआ एक समूह है। लेकिन धर्म एक खोज है, स्वयं के जानने के लिए, स्वयं होने के लिए एक खोज है। इस दुनिया में बहुत सारे धर्म है, जिनसे प्रत्येक का अपना एक नाम है, जो विश्वास के संस्थापकों से लिया गया है, जैसे बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, जोरास्टर, मोहम्मद और इसी तरह। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को स्थापना किया। जैन धर्म के स्थापना महावीर ने की। क्रिश्चियनिटी को जीसस क्राइस्ट किए। इसी स्थापना किसी नाम पर हुआ था, लेकिन अपने हिंदू धर्म या सनातन धर्म किसी प्रत्येक व्यवस्थे ने नहीं किया है, तो नाम नहीं है, अनाम है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अभी एक सवाल उठते हैं कि सनातन धर्म की स्थापना किसने की। सनातन धर्म की स्थापना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की थी। इस आधार पर सनातन धर्म का प्रारंभ समय कोई नहीं बता सकता। इसकी स्थापना के लिए कोई विशेष तिथि नहीं। सनातन धर्म वेदों के सबसे प्राचीन ज्ञान में निहित है, जैसे कि महान संतों द्वारा सुना और प्रकट किया गया। इसे अनादि और अपौरुषेय, अनाम इसीलिए इसके नाम नहीं है क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने स्थापना नहीं की, इसीलिए सनातन अनाम धर्म है। यह वेद से आरंभ हुआ। अगले स्लाइड में हम देखेंगे वेद क्या है। वेद सनातन धर्म के मूल है, रूट रूट ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म का सर्व पूज्य पवित्र ग्रंथ है वेद। महान ऋषियों ने आकाश से वेदों को सुनाकर उन्हें उन्हें अपने एक्सपीरियंस हुए सुने हुए, इसीलिए वेदों की श्रुति कहा जाता है। जो सुना गया था आकाश से दो भगवान से आया और कान में सुना, इसीलिए श्रुति कहा जाता है। उन्होंने वेदों के अपने शिष्यों को पढ़ाया, जिन्होंने उनको याद किया, इसीलिए वेदों को स्मृति भी कहा जा सकता है। जो याद किया गया है, सनातन धर्म के सबसे उत्कृष्ट विशेषता है कि यह किसी एक व्यक्ति का दृष्टि पर आधारित नहीं है, इसीलिए एक अनाम धर्म है। बहुत बहुत सारे ऋषियों इसे आधारित हुआ। वेद शब्द संस्कृत मूल विद से बना है। विद विद का मतलब जानना, जो वेद का अर्थ है ज्ञान। एक स्वयं को समझने के लिए हमारे भीतर जो शक्तियां हैं और हम इसके उपयोग कैसे खुशी और स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं, उसे तरीका बताने के लिए वेद है। वेदों का रचना किसी एक काल में नहीं हुई। वेदों का संकलन वेदव्यास ने किया था और सनातन धर्म में ईश्वर की अवधारणा अनूठी है। सनातन धर्म में भगवान को ब्रह्म या परमात्मा या सिर्फ तत् का अर्थ वह कहा। छांदों के उपनिषद कहता है तत्त्वम असि, जिसका अर्थ है तुम वह हो। सनातन धर्म मानता है कि हमें में से प्रत्येक ईश्वरीय है मन में, जो कहता है जीवात्मा। तो जब आप नमस्ते कहते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति में भीतर भगवान की नमन नमन कर रहे हैं। यह धर्म मानता है कि परमात्मा पूरे विश्व में व्याप्त है, सर्वम ब्रह्ममयम जगत। इस जीवन की सभी गतिविधियों के सर्वोच्च को प्रसाद के रूप में मानता है। सनातन आपको ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को विकसित करने के स्वतंत्रता देता है। तो आप अपने पसंदीदा भगवान, जो है इष्ट देवता बोलते हैं ना, इष्ट देवता के रूप में किसी भी देवता, शिवा विष्णु राम कृष्ण हनुमान गणपति, किसी को भी पूजा कर सकते हैं। ये कम सत विप्रम विप्र बहुतिम बहुताम वदन्ति, ये कम सत विप्र बहुताम वदन्ति। सत्य ईश्वरीय की है, लेकिन बुद्धिमान लोग इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आइए अभी सनातन धर्म में क्या मार्ग बताता है, इसमें देखेंगे। सनातन धर्म मानता है कि मनुष्य को चार मार्गों और पुरुषों
पुरुषार्थ बोलते हैं, चार मार्गों को पालन करना पड़ता है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसे बोलते हैं पुरुषार्थ। धर्म पहला है, नंबर वन, नंबर वन, और इसका अर्थ है कि सब जो चीजें आप करते हैं वो कुछ कानून से करना पड़ेगा। आचार विष्णु सहस्रनाम फलश्रुति में यतना सर्वागमन आचार प्रथमं परिकल्पते, आचार पहला हुआ था, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसे बोलते हैं ना, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट जैसा आप रखना है, इसीलिए वो धर्म नंबर वन बनाया। अर्थ है कि धन कमाना और आपने जो पैसा कमाना वो चाहिए, पैसे तो चाहिए, सो अर्थ भी है उसमें, और काम का तात्पर्य इच्छाओं, सभी लोगों को इच्छा है, इच्छा से, और अंत में जीवन में लक्ष्य के रूप में मोक्ष है। ये अपने अगले भाग में और भी इसमें चर्चा करेंगे। इस बीच में आप कृपया मेरी वेबसाइट अंग्रेजी में है वो देख लीजिए, easyhinduism.com, और हमारा ईमेल भी है guruji@gmail.com। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये सुनने के लिए, सभी के लिए मैं नमस्ते कर रहा हूँ, अगले दूसरे भाग में मिलूंगा।